हरे कृष्णा। दिव्य राधिका ऑफिशियल पेज पे आप सभी का स्वागत है। जगन्नाथ सीरीज में आज हम एक नए विषय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो है डिफरेंट नेम्स ऑफ पुरी, अर्थात पुरी के विभिन्न नाम। सामान्य तौर पे हम जगन्नाथ पुरी को पुरी के नाम से ही जानते हैं, परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पुराणों में और हमारे शास्त्रों में पुरी का अलग अलग नामों से वर्णन है और हर नाम का अपना एक विशेष महत्व है। तो आज हम इस श्रृंखला में सबसे पहले जिस नाम के बारे में चर्चा करेंगे, वह नाम है श्री क्षेत्र। श्री अर्थात भगवान की आह्लादनी अंतरंगा शक्ति, विच इज श्रीमती राधा रानी। अर्थात ये पुरी क्षेत्र राधा रानी के एकाधिकार क्षेत्र में आता है। हेयर राधा रानी इज द प्री डोमिनेंटेड एनर्जी, तो इसीलिए राधा रानी के नाम पर इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ मंदिर नहीं अपितु श्री मंदिर कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, क्योंकि वे राधा भाव में रहते थे, इसीलिए उन्हें भगवान जगन्नाथ में श्याम सुंदर नंद नंदन श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। इसीलिए वे जब भी मंदिर आते थे तो राधा भाव में आकर हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर कहकर जगन्नाथ जी को संबोधित किया करते थे। इसी पुरी धाम को श्री क्षेत्र धाम कहा जाता है। आशा है आपको इस नए नाम को जानकर हर्ष हुआ होगा। ऐसे ही जगन्नाथ पुरी के विविध नामों को लेकर हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।